फ्रेंड्स, मैं हूँ सलाम एवरी में आप सभी का स्वागत। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बर्ड्स को ठंडे लगने से कैसे बचाते हैं, यानी कि बर्ड्स केयर इन विंटर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो शुरू करते हैं और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, पहले ही आप लोगों को मैं बोल देता हूँ कि ये जो विंटर सीजन है, इसमें कुछ बर्ड्स अपना ब्रीड करते हैं, यानी कि वो बच्चे और अंडे देते हैं, और कुछ बर्ड्स ब्रीड नहीं करते हैं। तो पहले मैं बोल दूँ कि ये है, ये जो विंटर है, ये है बजरीगढ़, लव बर्ड्स, इन सभी का ब्रीडिंग सीजन है। और जो सीप ठंडे में ब्रीड नहीं करते वो है कॉकरटेल्स, ये लोग ठंडे में ब्रीड नहीं करते, और कौन ये सभी भी ठंडे में ही ब्रीड करते हैं। तो आप लोग देखते रहे कि मैं कैसे बोलता हूँ क्लियर। तो दोस्तों, मैं पहले ही बोल दूँ कि इनका जो खाने का डाइट है, जो हम दाना देते हैं, उसमें पहले ही हमको बदलाव करना है। जैसे कि ये आप देख लो, इसमें कांगनी दाना है, कुछ मिलेट्स है, कैनरी है। कैनरी तो दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो एक ही कलर में है और थोड़ा कम देते हैं। और उसके साथ है सनफ्लावर सीड्स, ये तो फिलहाल खा लिया है, यही अपना छिलका पड़ा है, देख लीजिए। और है कुसुम सीड्स, ये जो वाइट वाला है ये है कुसुम सीड, और जो ब्लैक में है बड़ा वाला दाना वो है सनफ्लावर सीड्स। तो ये सब खाने से क्या होता है कि उनका जो हेल्थ है, मतलब आप लोग देख सकते हैं कि ये बर्ड्स देख लीजिए कितना बड़ा बड़ा है। फिलहाल तो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, मगर आप वैसे भी देख लो कि इन सब बर्ड्स का कैसा साइज है, ये भी बड़ा होगा। और जो है कि ये आप सही से आप देख लो कितना बड़ा बड़ा है। और जो सनफ्लावर देने से क्या होगा कि इनके अंदर के में जो हीट है, ये आप लोग जानते हैं कि वह जो हम रसोई में जो तेल यूज़ करते हैं, जो थोड़ा महंगा वाला आता है, वो है सनफ्लावर ऑयल, वही हम खाते हैं। और उसमें तेल रहता है तो वो सर्दी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब वो अंदर का हीट करता है। तो देख लीजिए इससे क्या हो, इससे अपना बर्ड्स के अंदर हीट आएगा, वो थोड़ा सा भी गर्म रहेगा। और कैनरी से क्या होगा कि ये आप देख लो, ये मेरा ब्रीडिंग प्यार यहाँ पे मटका लेकर बैठा हुआ है, शायद अंडा भी लेकर देखा नहीं, क्योंकि अब आप बर्ड्स, मैंने जो कहा कि लव बर्ड्स का ब्रीडिंग टाइम है ये टाइम, तो वो तो अंदर चला गया, वो देखो मुंह बाहर निकल रहा है, दिखा रहा है, तो वो सभी ब्रीडिंग के लिए हीट में आ जाएगा, मतलब वो ब्रीड स्टार्ट कर देगा। तो ये है कैनरी का फ़ायदा, और वैसा ही है। और उसके बाद जो करना है आपको कि ठंडे में कुछ तिरपाल, और ये जो खिड़की है, मेरा तो फिलहाल ये बाहर में, मतलब घर में ही रहता है, मगर मेरा खुद का घर में नहीं, दूसरा एक रूम में रहता है। तो इसमें क्या है, मैंने ये जाली तो फिलहाल लगा दिया, जो कि बर्ड्स अंदर नहीं जा, बाहर अंदर बाहर नहीं जा सकता, मतलब भाग नहीं सकते इसलिए। और दूसरा जो बात है वो है ये आप थोड़ा सा देख लो अच्छे से, ये जो पहला का है वो एक, मतलब बोरा कहते हैं, वो जो पैकेट आता है ना 50 किलो का, वो जो राइस का हो गया, या फिर मतलब क्या बोलते हैं, वो जो सार बोलता है, वो ये सब होता है, ये उसका पैकेट है। मैंने उसे काट के ये पूरा दीवार में साइज में लगा के रख दिया, और उसके ऊपर एक दूसरा लेयर दिया जो है, ये है पॉलीथीन। ये आप इस बारे में अच्छे से देख लो इस पर, अच्छा ये है पॉलीथीन, मतलब वो जो तिरपाल कहते हैं, वो जो बारिश के हाथ से सामान को ढक देते हैं हम, वो वाला है ये। इससे क्या हुआ कि जो ये पहला है लेयर पहला है, तो इससे क्या हुआ कि अंडर का ठंडा जो मौसम का वो जो हवा है वो अंदर नहीं आ पाएगा, और बाहर भी अंडर का हवा बाहर नहीं जा पाएगा। और इससे तो एक फ़ायदा हो गया कि अपना रूम जो है वो गर्म रहेगा। और दूसरा जो काम करना है कि इतना भी पैक फट कर देना कि पूरा हवा ही एकदम वेंटिलेशन ना हो पाए, इसीलिए मैंने ये जो अपना वेंटिलेशन है ये तो खोला ही रख दिया, फिलहाल वो नेट लगा के दिया है, ये है देख लो। तो इससे क्या हुआ कि उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा, यानी कि थोड़ा सा भी वेंटिलेशन हो सकता है, यानी कि अगर यहाँ पे कुछ बदबू नहीं होगा ऐसा ही, तो यही है।
और उसके साथ हमको कुछ कुछ मेडिसिन यूज करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, देख सकते हो कि मेरी पिन जो है, मैंने आपको बोला था वो भी दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए कि ये है हमारा मेरी पिन जो है एंटीबायोटिक, फिलहाल यही है मेरे पास, मैं तो यही यूज करता हूँ। वो आप पानी में दो चार बूंद आप दे देना कटोरी में, दे देना उनके पानी के में। और ये आप देख लो, ये मेरा कॉपरटेल का प्यार है, ये आप देना सब हफ्ता में एक दो दिन दे देना। और अगर देखना कि आपका बर्ड थोड़ा वो जो है मुरझाया हुआ है, थोड़ा सुस्त हो गया है, तो ये आप यूज करें। और उसके बाद जो है ये है हमारा विटामिन, तो ये है हमारा पॉलीविनल एल, जो कि एक बहुत ही अच्छा विटामिन है, ये आप देना है, क्योंकि हमारे ठंडे के मौसम में वो तो ब्रीड करते हैं, उसके बाद भी उनके सेहत ख़राब हो जाता है, इसीलिए हम ये पॉलीविनल एल यूज़ करते हैं। तो ये आप देख लो, और ये आप भी दो चार बूंद दे देना उनके खाने में, तो आपका बर्ड सही अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो है हमारा सॉफ्ट फूड भी आप लोग ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि वो शेयर आप बर्ड्स को ठंडे में बहुत ही अच्छा लगता है। और उसके बाद है एग फूड, तो एग फूड क्या है वो मैंने वीडियो बनाया है, ऊपर आई बटन में आ रहा है, आप लोग देख लेना कि वो जो अंडा है वो बॉईल करके उसके साथ थोड़ा वेजिटेबल मिला के, और हो सके तो थोड़ा वो जो आता है ना चीरे, जो हम बंगाली में चीरे कहते हैं, उसका हिंदी तो मालूम नहीं वो है, और जो राइस उबला हुआ राइस है वो हम उसके साथ मिला के दे देते हैं। उससे क्या होगा कि उनके अंदर जब प्रोटीन विटामिन जो अंडा है ना वो तो एकदम होता रहता है, उससे उनके अंदर का प्रोटीन विटामिन सब फिर अच्छा रहता है। और ये देखिए ये अभी तो बाहर निकला है, इसके फीमेल के अंदर वो अंडा आ गया है, अंडा आ गया और अंदर भी नेस्टिंग उन्होंने अच्छे से कर लिया है, तो देखते हैं कि कैसा होता है इनका बिल्डिंग। तो ये सही कुछ छोटा छोटा चीज़ें हैं। और ये है, एक है कि पानी का बर्तन मैंने वो शाम को शाम के 4:30-5 बजे में ये जो पानी का बर्तन रहता है, देख लीजिए यहाँ पे सभी में एक एक ही बर्तन है, जो कि दाना का सब में। और ये जो मेरा पानी का बर्तन सभी यहाँ पे निकला हुआ है, ये एकदम बाहर कर देना, और देना है ठीक 9 से 10 इस टाइम में आप पानी देना, और शाम को 5 बजे की 4 बजे उस टाइम एकदम पानी का कटोरा निकाल देना। तो क्या होगा कि ठंडा पानी बर्ड्स लोग नहीं खा पाएंगे, और नहीं पानी नहीं वो ठंडा पानी खाएगा अगर तो उनमें बीमारी आ जाएगा, ठंडा लग जाएगा, पोटी का प्रॉब्लम हो जाएगा ऐसे। तो देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे बर्ड्स अभी तो ठीक ठाक हैं, और आगे भी रहे ये आप दुआ करना। तो यही एक छोटा वीडियो मैंने बनाया आप लोगों के लिए कि बर्ड्स केयर, बर्ड्स को ठंडे में कैसे बचाए। तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और स्किप मत करना। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं एक नए वीडियो में, ये देखो ये मेरा कॉकटेल इतना मतलब मेरे से क्या बोलो, ये एकदम मेरे पास है, और भी पास आ जाता है, और कोनो वो भी आ जाता है यहाँ पे, वो अभी फिलहाल बैठा हुआ है। तो इसके लिए एक पार्टनर ले आना है, वो भी जरूर लाएंगे, और वो भी उसके पार्टनर के पास चला गया। तो फ्रेंड्स अभी आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।